हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 15 ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करने वाली हूं जो कि समर में यानी कि गर्मियों में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। तो ये जो पौधे हैं, अगर अभी तक आपने इनके बीजों को नहीं लगाया है और आप इनको बीजों से ग्रो करने की सोच रहे हैं या बीजों से ग्रो करना चाहते हैं, तो अप्रैल ख़त्म होने से पहले पहले अभी भी इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधे हैं समर लविंग है, यानी कि गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं और अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं हुआ है। अप्रैल एंड तक इनके जो बीज हैं जर्मिनेट हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर अभी तक आपने इनके बीजों को नहीं लगाया है तो फटाफट से लगा लीजिए। इनकी अपडेट भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, जो कि फरवरी या मार्च के महीने में बीजों को मैंने आप लोगों को लगा करके दिखाया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय इनके बीजों को लगाने के लिए देखिए, मिट्टी जो आपको लेनी है, 1 part रिवर सैंड, 1 part कंपोस्ट, 1 part कोकोपीट और 1 tablespoon फंगीसाइड पाउडर को ले लेना है। इस सोयल मिक्सर में आपको सीडों को लगा करके छाया वाली जगह में रख देना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्लांट है यह है कनेर के। इस समय कनेर की कोई सी वैरायटी हो, सभी को आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। ये जो सामने आप लोग बीज देख रहे हैं, ये तो मेरे ही पौधे के ऊपर सीड पॉट बना था, उसी में से इसके बीजों को मैंने निकाल करके जनवरी के महीने में ग्रो किया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को जा करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, पूरे 2 महीने की अपडेट है, कितने अच्छे तरीके से इनके जो बीज हैं यानी कि जो पौधे हैं बन करके तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अपराजिता। अपराजिता के बीजों को भी आप लोग इस टाइम पर ग्रो करोगे तो इसके जो बीज हैं 3 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके बीजों को अलग से भी मिट्टी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी भी मिट्टी में इसके बीजों को आप लोग डाल दीजिए। देखिए इस तरीके से, ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये फरवरी के महीने की है। इसमें से 2 पौधे मैंने निकाल करके उनको रिपोर्ट भी कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के। ये भी अपराजिता की तरह एक बेली है, ये भी कई सारे रंगों में आती है। मेरे पास इसके 2 कलर हैं। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, इनके हर एक फूल के पीछे से इनका सीड पॉट बन करके आ जाता है, उसी में इनके 4-5 बीज निकल आते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके भी बीजों को आप किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए, 8 से 10 दिन में इनके जो बीज हैं बहुत अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है विनका या सदाबहार के। इस समय विनका की कोई सी वैरायटी हो, इनको आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इनके बीजों को लगाने के बाद इस समय थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, तो आपको छाया वाली जगह में रखना है और ऊपर से कवर भी इनको बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए, ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, इनको मैंने सेपरेट कर दिया है। इनके बीज जर्मिनेट हो गए थे, ये लगभग 2.25 महीने की अपडेट है। 2 महीने में इतने बड़े बड़े इनके पौधे हो जाते हैं। अगला जो प्लांट है ये है देखिए मैक्सिकन पिटूनिया। ये पौधा ऐसा होता है, पूरा साल तो फ्लावरिंग करता है और एक बार इसके बीजों को आपने ग्रो कर लिया तो दोबारा आपको इनके बीजों को ग्रो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए इनके ऊपर इस तरीके से ये इनके सीड पॉड हैं और इन्हीं के अंदर ये इनके बीज होते हैं। ये बीज अपना आप ही जहाँ जहाँ मिट्टी में खुल करके गिरते रहेंगे, वहाँ वहाँ इनके नए पौधे तैयार होते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे गार्डन में इसी तरीके से इनके सैकड़ों पौधे तैयार हो गए हैं। ये है देखिए अडेनियम के। सभी लोग जानते हैं अडेनियम बहुत कॉस्टली आते हैं, इसलिए एक बार इनके बीजों को आप लोग खरीद लीजिए, ये बहुत अच्छा समय है इनके बीजों को ग्रो करने का। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज हैं जर्मिनेट होने में यानी कि ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जरबेरा। जरबेरा भी बहुत ही कॉस्टली आते हैं, इसलिए इस समय इनके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। देखिए इनके जो फूल सूख जाते हैं, इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं को इस तरीके से तोड़ लीजिए, जैसे मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल में बीज होते हैं, ठीक इसी तरीके के इसके ही फूल में इनके बीज होते हैं। इन्हीं को मिट्टी में डाल दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए टोरेनिया का। ये पौधा भी ऐसा है, एक बार आपके गार्डन में आ गया तो दोबारा इसको ग्रो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर भी सीड बनते हैं, वो बीज अपने आप खुल करके जहाँ जहाँ मिट्टी में गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ इसके पौधे उगते रहेंगे। लोटस को भी अगर आप लोग बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो इनके बीजों को आप लोग इस टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं, थोड़ा हार्डी होते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं।
तो इनके बीजों को लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इनके बीजों को ज्यादातर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, नर्सरी पर या फिर लोकल स्टोर पर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए सनफ्लावर या फिर सूरजमुखी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पौधे ड्वार्फ और लॉन्ग दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं, लेकिन 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। इनमें ज्यादा कलर तो देखने को नहीं मिलते हैं, येलो और ऑरेंज ये दो कलर ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इनके जो बीज हैं थोड़ा हार्डी होते हैं, देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, तो इनके जो बीज है 10 से 15 दिन ले लेते हैं अच्छे तरीके से ग्रो होने में। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पर्सलेन या फिर मॉस रोज, ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आपको मिल जाएंगे। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपने इनको ग्रो कर लिया तो दोबारा आपको इनको ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इनके ऊपर भी कुछ इस तरीके से इनके सीड पॉड बनते हैं, इन्हीं के अंदर इनके सैकड़ों सैकड़ों बीज निकल आते हैं और ये बीज अपने आप ही मिट्टी में खुल करके जहां जहां गिरते रहते हैं वहां वहां सेफ होते रहते हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है ये जो बीज अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोसकॉम के, ये कई सारी कलर्स वैरायटी में अब आने लगे हैं। ये इनकी देसी वाली वैरायटी है, लेकिन इनके हाइब्रिड वैरायटी के जो पौधे होते हैं इनको सिलोसिया के नाम से भी जाना जाता है, उनकी हाइट भी कम रहती है। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, इनके बीजों को भी आप लोग किसी भी तरह की मिट्टी में डाल दीजिए, अलग से कोई मिट्टी बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले जो पौधे हैं ये है देखिए रेन लिली के, रेन लिली भी एक ऐसा पौधा है जिसको आप लोग बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इनके नीचे बल्ब बनते हैं तो इनके बल्ब को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, इनके जो बीज हैं 8 से 10 दिन ले लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में। तो इस तरीके से इनके भी बीजों को आप लोग किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर लीजिए, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए बेबी सनरोज इस पौधे को नर्सरी से अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो ज्यादातर इसमें पिंक और रेड ये दो कलर ही मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ और कलर भी आते हैं। तो कई सारे कलर को अगर आप लोग अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन इनके बीजों को आप लोग मंगा सकते हैं। जैसे ये वेरीगेटेड पत्तियों वाले हो गए तो इसमें कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, जैसे विनका के या फिर पिटूनिया के बीज होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। इनके भी बीज 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। प्लांट है ये है देखिए ग्लैडिया के, इसमें भी ज्यादा कलर तो नहीं आते हैं, ऑरेंज येलो ये इसी तरीके से दो तीन कलर में आते हैं, लेकिन ये पौधे भी ऐसे होते हैं एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनके जो फूल सूख जाते हैं, सूखने के बाद उन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं जैसे मैरीगोल्ड में होते हैं। तो इनके बीज यानी कि इनके जो सूखे हुए फूल जहाँ जहाँ खुल करके गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ इनके नए पौधे तैयार होते रहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं और 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। देखिए जीनिया के ये दो तीन वैरायटी में आते हैं, इनकी ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं इनके फूलों का साइज बड़ा रहता है, जैसे डहेलिया के फूल खिलते हैं लेकिन एक पौधे के ऊपर 3-4 फूल ही खिलते हैं। लेकिन इनके ड्वार्फ वाली वैरायटी जो होती है जिनके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये एक ही पौधे के ऊपर 10-10, 15-15 फूल खिल जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बालसम के, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं, केवल जनवरी के महीने को छोड़ करके इन पौधों के ऊपर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन इनके पौधों को हमें लगातार ग्रो करते रहना पड़ता है। जैसे हम विनका को सदाबहार को ग्रो करते रहते हैं, यानी कि एक ही पौधा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, तो इसकी कटिंग लगा करके या फिर बीजों को लगा करके आप लोग ग्रो करते रहेंगे तो ये पूरा साल फूल देते रहते हैं। सिंगल पेटल डबल पेटल्स के फूलों में आते हैं। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए साइप्रस वाइन, ये एक बेल है, जैसे अपराजिता की बेल ग्रो करती है ठीक इसी तरीके से ये भी ग्रो करती रहती है। ये भी परमानेंट बेल है, केवल दिसंबर और जनवरी के महीने में इसमें फूल नहीं आते हैं। कुछ इस तरीके के इसके बीज होते हैं, इसके बीज 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे ये कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये रेड कलर बहुत ही कॉमन सा कलर होता है और इसके जो फूल है स्टार की तरह खिलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोसमोस के, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल डबल पेटल ड्वार्फ वैरायटी लॉन्ग वैरायटी दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, तो इनके भी बीजों को देखिए इस तरीके से मिट्टी में आपको केवल स्प्रिंकल कर देना है। इनके भी जो बीज है ग्रो होने में 10 से 12 दिन ले लेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए लैंटाना के, ये जो हाइब्रिड वैरायटी के लैंटाना होते हैं इनमें आपको बहुत सारे रंगों के बीज मिल जाएंगे, लेकिन इनकी जो देसी यानी कि कॉमन सी वैरायटी होती है उसमें केवल दो कलर ही आते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, इनके जो बीज है थोड़ा हार्डी होते हैं, ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेंगे तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस तरीके से 1-1.5 इंच की दूरी से इनके बीजों को लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गोनफिरिना के,
ये फूल भी ऐसे होते हैं, एक बार खिलने के बाद दो दो महीने तक ऐसे ही खिले रहते हैं। इनके फूल जब सूख जाते हैं यही इनके बीज होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके भी बीजों को आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मैरीगोल्ड के। इनमें जो जाफरी मैरीगोल्ड या फिर इनकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनके जो सूखे फूल होते हैं उन्हीं में इनके बीज होते हैं। देखिए इस तरीके से अगर ये ब्लैक ब्लैक कलर के हैं तो ये इनके बीज हैं, लेकिन अगर ये ग्रीन है या येलो है फिर वो अभी कच्चे हैं। ये है देखिए कोलियस के। हालांकि ये फूलों वाले पौधे नहीं हैं लेकिन किसी फूलों से ये कम भी नहीं लगते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर वैरायटी में आने लगे हैं और ऑनलाइन इनके अलग अलग कलर के वैरायटी के बीज आपको मिल जाएंगे, तो इनके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। पहला ये जो पौधा है इस पौधे के तो क्या ही कहने। सबसे पहली बात तो आप इस पौधे को अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा लुक दे सकते हैं। दूसरी बात, समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय ये पौधा अगर आपके गार्डन में लगा हुआ है तो आपकी आँखों को तो ठंडक देता ही है। दूसरी बात, आपके जो और पौधे लगे हुए रहते हैं उन पौधों को भी ये ठंडक पहुंचाता है, इसलिए इस पौधे को भी अपने गार्डन में जरूर रख लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। सभी बीजों को लगाने के बाद छाया वाली जगह में रखना है जब तक कि बीज जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं। जब बीज जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं फिर इनको ऐसी जगह रखना है जहां मॉर्निंग की आधा घंटे की सनलाइट इनके ऊपर पड़ जाए या फिर ब्राइट लाइट इनको मिल जाए, तो उसी में बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाएंगे। इस समय इनके बीजों को आपको ऊपर से कवर करने की ढकने की भी जरूरत नहीं है। जनवरी में या फरवरी में जैसे इनके बीजों को हमने लगाया था तो ऊपर से किसी पोलोथीन वगैरह से इनके बीजों को कवर किया था, लेकिन इस समय आपको कवर नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पानी का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। इस समय इनकी जो मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए। अगर मिट्टी एक बार सूख गई तो फिर आपके बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।